हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 की थ्योरम 9.5 का प्रूफ करने वाले हैं। पहले पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या है। इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्किल, अगर सर्किल की इक्वल कोर्ड्स हैं, ठीक है, सर्किल क्या है, कोर्ड्स इक्वल है, आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक, क्या मतलब है, देखो सुनो, ये सर्किल है, इसकी मैं दो कोर्ड बना देता हूँ। सर्किल में एक कोर्ड ये नहीं, एक कोर्ड ये नहीं, ये दो कोर्ड है। इसका नाम क्या है, ए बी, इसका नाम क्या है, सी डी। ठीक, क्या नाम है, सी डी, थोड़ा सही से बना देता हूँ। ठीक, तो मुझे गिवन है इसमें कोड्स क्या है, इक्वल है, क्या है, तो आप लिखो गिवन में आपके पास क्या है, ये कोड क्या है, ए बी और सी डी क्या है, आपस में इक्वल। बोलो ठीक, मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है अगर मैं इनकी दूरी सेंटर से लूँ, किससे लूँ, सेंटर से, वो बराबर होगी। तो पहले मुझे करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगा, सुन लो, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे क्या, ये लिखोगे इस सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे और इस पे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। उसको मान लेता हूं मैं ओ एम, इसको मान लेता हूं ओ एम। आप लिखो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ ओ एम, जो किससे परपेंडिकुलर है, ए बी पे, और दूसरा बनाओगे ओ एन, वो किससे परपेंडिकुलर है, वो है परपेंडिकुलर सी डी पे। ये तो आप करोगे कंस्ट्रक्शन। तो आपको ये प्रूफ करना है ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों क्या है, बराबर है। कि ये देखो, ये तो बोला है इक्वल कोर्ड सेंटर से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ये दोनों बराबर होंगी। तो मुझे प्रूफ में यही लिखना है, मुझे टू प्रूफ करना है क्या करना है, कि ये ओ एम किसके बराबर है, ओ एन के। बोलो ठीक, अब मुझे कंस्ट्रक्शन में इसमें अभी और करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मान लो क्या, मैं इसे मिला देता हूँ ओ बी और ओ सी को और ज्वाइन कर देता हूँ। ये आप लिख लेना इसमें क्या करना है, और यहाँ लिख देता हूँ इधर कंस्ट्रक्शन में, ये लिखना है ज्वाइन क्या, ओ बी एंड ओ सी, ये और ज्वाइन कर लेना बस। ठीक, अब आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, इससे पहले वाली थ्योरम यह कि अगर सेंटर से कोड़े परपेंडिकुलर बनाते हैं हम, तो वो कोड को बाइसेक्ट करती है, क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। तो देखो यहां पे उसका यूज होगा, इसलिए बताया था मैंने आपको अभी। प्रूफ, प्रूफ में क्या लिखोगे, क्या नाम है इस ट्राइंगल का, ओ एम बी, क्या नाम है ट्राइंगल का, ट्राइंगल ओ एम बी, और दूसरा कौन सा है, ओ एन सी, ट्राइंगल ओ एन सी, इन दोनों करने वाला हूं मैं कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो सीबीसीडी से ओ एम बराबर ओ एन, क्लियर। तो देखो बताओ क्या के बराबर है, पहला पार्ट आपको ये पता होना चाहिए, ये सर्कल की दोनों की दोनों क्या है, रेडियस, भाई ओ बी भी रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है, और रेडियस तो बराबर होती है, तो ठीक है ये लिख दो। तो ओ बी बराबर किसके, ओ सी के, क्यों, दोनों क्या है, रेडियस। सेकंड पार्ट देखो, 90 हाँ भी बन रहा है और 90 हाँ भी बन रहा है, दोनों में एक एंगल बराबर है, क्या नाम है इस एंगल का, ओ एम बी, इसका ओ एन सी, लिख दो एंगल ओ एम बी, और इसका नाम क्या है, एंगल ओ एन सी, क्योंकि दोनों कैसे एंगल है, 90 है। तीसरा पार्ट पता क्या लिखोगे, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कोड बराबर है, क्या बराबर है, कोड, देखो अभी पहले से लिखो, और ये भी बराबर सी डी, मगर ए बी तो इस ट्रायंगल में है ही नहीं, हो तो पूरी ट्रायंगल से बाहर चली गई, मगर मुझे पता है अगर मैं इन दोनों का आधा कर दूं, डिवाइड बाय टू, क्या कर दूं, डिवाइड बाय टू, तो ए बी का आधा और सी डी का आधा, ठीक है, किस का आधा, ए बी का आधा और सी डी का आधा, मैं ए बी का आधा चूज करूंगा एम बी, क्योंकि मेरे को चाहिए इस ट्रायंगल में एम बी, और इसका आधा क्या लूंगा मैं, सी डी का आधा, एन सी। अब सुनो यहाँ पे एक थ्योरम आपको स्टेट करनी पड़ेगी कि मैंने ये कैसे लिख दिया बराबर, क्योंकि आपने पढ़ी थी किसी सर्किल में एक कोड पे सेंटर से अगर परपेंडिकुलर बनेगा, क्या बनेगा, तो ये दोनों पार्ट क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इससे पहली थ्योरम है कुछ, इससे पहले से पहले ही होगी, 9.4 या 9.3 या 9.2 या 1 होगी कुछ। ठीक, तो ये दोनों पार्ट क्या होंगे, आपस में इक्वल, तो ऐसे ये दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल, इसलिए इसका आधा मैंने एम बी ले लिया, इसका आधा एन सी ले लिया। ठीक, क्योंकि ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर, और ये दोनों पार्ट आपस में ये बराबर। बोलो ठीक, तो यहाँ पे आप लिखोगे, क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर, मैं लिख रहा हूं वो थ्योरम, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, सेंटर से अगर बनाता हूं, बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट द, वो कोड हो क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू कोड, बाइसेक्ट द कोड, ठीक है, ऐसे लिख लेना। तो इसलिए ये दोनों क्या हो गए, बराबर आ गए। तो देखो मैंने क्या क्या बराबर ले लिया, एक तो ही मैंने लिया है, इसे बना के दिखाता हूं, मैंने एक तो लिया है ओबी, ओबी कहा है, ओबी ये रहा,
ये हाइपो है, क्या है हाइपो, और मैंने लिया एक एंगल जो 90 है, आर एस राइट एंगल बोलेंगे, और मैंने लिया एक साइड, क्या नाम है उसका, एम बी, थर्ड मेरा ये है एम बी, तो ये साइड हो गई, आर एस लग गई, कौन सी लग गई, आर एस प्रॉपर्टी, ठीक। तो मैं इसे क्लीन कर देता हूं, तो आर एच एस प्रॉपर्टी से मैं क्या बोलूंगा, बाय आर एच एस प्रॉपर्टी, क्या बोलती है आर एच एस प्रॉपर्टी, वो बोलती है मुझे ये कि ये दोनों पार्ट क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि देखो बाय आर एच एस प्रॉपर्टी, सॉरी बाय आर एच एस प्रॉपर्टी, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, पहले तो ये तो लिखो, ये तो लिखा ही नहीं मैंने, ट्रायंगल का नाम क्या था, ओ एम बी और ओ एन सी, ट्रायंगल ओ एम बी और ओ एन सी क्या हो गए, कॉन्करेंट हो गए, ठीक। तो मैं बोलूंगा बाय सीपीसीडी से, किससे, बाय सीपीसीडी से, क्या बोलूंगा कि ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल, ठीक, क्या नाम है उसका, ओ एम बराबर ओ एन, हैंस प्रूव, यानी कि प्रूव हो गया ये दोनों कोड अगर इक्वल हैं तो ये सेंटर से क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पर होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको अभी कुछ डाउट रह गया तो कमेंट में लिख के जरूर बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।